गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो यार, ये नई वीडियो है जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि ऑटोमेटिक गाड़ी, टू बी स्पेसिफिक AMT गाड़ी कैसे चलाते हैं। तो ये मेरी गाड़ी एस्प्रेसो है, ये टॉप मॉडल VXI प्लस वेरियंट है और ये AMT है। चलो मैं इसको अनलॉक कर लेता हूँ, आपको अंदर ले चल के बताता हूँ कि हाउ टू ड्राइव एन AMT कार। तो ये हम गाड़ी के अंदर आ चुके हैं। एज यू कैन सी, ये टॉप मॉडल है और ये AMT है। ये AMT या मारुति का AMT आता है, उसमें खाली 3 गियर ऑप्शन आते हैं, रिवर्स, न्यूट्रल और डी, मतलब ड्राइव। ये डी में, हम डी जब मोड में लाके हम इसको एम में भी शिफ्ट कर सकते हैं, एम मतलब मैनुअल। ये मारुति कैसे कुछ की आती है, अभी मैं इसको इंसर्ट कर लेता हूँ। और यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे खाली 2 पेडल्स हैं, एक्सेलरेटर और ब्रेक, क्लच नहीं आता। बहुत लोगों को मैंने ये सुना है कि मैनुअल गाड़ी चला लेते हैं पर ऑटोमेटिक चलाने में दिक्कत आती है। तो ये वीडियो, मतलब मैं क्या कहूँगा कि अगर मैनुअल गाड़ी आपको चलानी आती है तो ऑटोमेटिक आपको खाली आधा घंटे इसके साथ रहना पड़ेगा, उसके बाद ऑटोमेटिक आपको मतलब एकदम ईजीली आ जाएगा। ऑटोमेटिक चलाना कोई ज़्यादा टफ बात नहीं है अगर आपको मैनुअल गाड़ी चलानी आती है। तो मैं गियर लीवर दिखा चुका हूँ, जैसे हम इसमें चाबी डाल के इसको इंसर्ट करते हैं, ये इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आ गया और आप देख सकते हैं यहाँ पे N लिखा आ रहा है। और अब आप देखें गियर लीवर भी N पे है, ये N मोड है। हम अपना ब्रेक लीवर, ब्रेक के पेडल को प्रेस करेंगे और इसको जैसे ही हम इस ये R में हमने डाला तो यहाँ पे आप देख सकते हैं R हो गया। फिर मैं वापस चेंज कर दूँ तो N पे आ जाएगा। जब हमको गाड़ी चलानी होती है तो हमको D पे डालना होता है, तो हम जैसे ही D पे डालते कुछ ऐसा शो करता है। और अब दूसरा मोड देखेंगे तो ये है मैनुअल। तो डी में क्या होता है, आप जैसी स्पीड बढ़ती है उस गाड़ी की, वो अपने आप अकॉर्डिंगली गियर अपशिफ्ट या डाउनशिफ्ट कर सकता है, करता है। और इस मैनुअल मोड में होता क्या है, बेसिकली हम मैनुअली गियर्स को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे आपको सेकंड पे ही रहना है, आपको थर्ड गियर पे स्विच नहीं करना या आपको टॉप तक उसको रेव करना है, तो इसलिए ये मैनुअल मोड बनाया गया है। ये कुछ नहीं है, बेसिकली एक मैनुअल इंजन को दिमाग दे दिया गया है और उसको एक ऑटोमेटिक मैनुअल ट्रांसमिशन बना दिया गया है। तो ब्रेक लीवर प्रेस करके आप वापस डी पे आएंगे और एन पे कर देंगे। तो ये एजेंसी एन पे आ चुका है और ये गियर लीवर भी एन पे। अब हम ब्रेक पे प्रेस किए हुए हैं और ये एन पे गाड़ी होती है, फिर हम सेल्फ देते हैं तभी ये स्टार्ट होती है। तो अब देख सकते हैं गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है, बस अब हमको मूव करने के लिए हैंड ब्रेक हम नीचे करेंगे। हम सीट बेल्ट लगा देते हैं क्योंकि सेफ्टी इंपॉर्टेंट है। गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है और हमको कुछ नहीं करना, हमको बस एन को डी पे लाना है, नीचे शिफ्ट करना है कुछ इस तरह। हमने डी पे डाला और ये D1 लिखा, हमने ब्रेक छोड़ा और देख सकते हैं मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, ये सब छोटा हुआ है। और अब देख सकते हैं ये एक 5, 6, 7 की स्पीड पे मूव होना शुरू हो गया है। अब देख सकते हैं मैं एक्सीलेटर पे कुछ पैर भी नहीं दिया हुआ और गाड़ी मूव कर रही है। बस आपको अब जैसे ही आप उसको एक्सीलेटर देते रहेंगे ये स्पीड बढ़ जाएगी। अब जैसे रिक्वायर्ड गियर होगा तो ये अभी जाके सेकेंड पे शिफ्ट कर देगा। आप देखिएगा, अब ये देखिए सेकेंड पे शिफ्ट हो गया, बस अब कुछ नहीं है। हम वापस इसको ब्रेक को अप्लाई करेंगे और ये फर्स्ट पे आ जाएगा वापस। तो आपको जो मैनुअली करना होता था बस ये ऑटोमेटिक में यही चीज़ है कि आपको एकदम ट्रैफिक में और एकदम क्लस्टर्ड एरिया में आराम आ जाएगा, मतलब आपको कोई लेफ्ट पैर का भी यूज़ ही नहीं रहेगा, एक्सीलेटर दीजिए और ब्रेक दीजिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि आप कैसे एक ऑटोमेटिक गाड़ी आप चला सकते हैं। ये कुछ नहीं है, आपको बस अगर आप मैनुअल गाड़ी की आदत है तो आपको कुछ टाइम ही बिताना है इस गाड़ी के साथ, आपको आदत हो जाएगी ऑटोमेटिक चलाने की। और एक बार मैंने बहुतों को देखा जो ऑटोमेटिक चलाना शुरू कर दिए फिर वो और मैनुअल चलाने में और उनको मज़ा नहीं आता, वो कहते हैं कि मैं ऑटोमेटिक में बहुत आराम है और ऑटोमेटिक ही चलाते हैं। आप देखिए खाली एक्सीलेटर ब्रेक क्लच का मेरे लेफ्ट पैर कोई काम ही नहीं है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और इन्फॉर्मेटिव लगी हो। अगर लगी हो तो यार लाइक कर देना वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और भी ऐसी ऑटोमोटिव और गाड़ियों से रिलेटेड वीडियोज आती रहेंगी। थैंक यू।